बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी खैर से होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ खीर, वो भी मेरे स्टाइल में। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक मैंने देश के लिए, उसमें मैंने 8 ग्लास पानी डाल दिया। अब मैं इसकी फ्लेम ऑन कर दूंगी। एक तरफ ये पानी गर्म होना है। आपको मैं चीजें बताती हूँ कि खीर में क्या क्या डलेगा। 250 ग्राम मैंने टोटा चावल लिया, जिसको मैंने 5 से 6 घंटे भिगो लिया था। काजू लिए मैंने, बादाम लिए, आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। 3 लीटर मैंने दूध लिया। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ इस्लाम का दूध है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। एक डब्बा मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। कुछ लोग चीनी यूज करते हैं। आप जब मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो आप कंडेंस मिल्क जरूर डालना, क्योंकि कंडेंस मिल्क की बहुत अच्छी बनती है खीर। मेरे पास टाइम शॉर्ट था, इसलिए मैंने बादामों को पहले से नहीं भिगोया, इसलिए मैं अभी बादामों का छिलका उतारने के लिए मैं पानी एक देशकी में गर्म कर लूंगी। जब तक बादाम का पानी गर्म होता है तब तक हम काजू की कटिंग कर लेते हैं। मैंने सोचा कि मैं अपने पापा के स्टाइल से खीर बनाती हूँ। मेरे पापा जो हैं खीर माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनाते हैं। पानी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें बादाम डालूंगी। एक हल्का सा बॉयल आएगा तो ये बादाम छिलकों से अलग हो जाएंगे। दूसरी तरफ पानी गर्म हो चुका है, जो मैंने टोटा चावल लिए थे 250 ग्राम, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि जो पानी है इसमें ख़त्म हो जाए। आप सबको कुकिंग करना कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना। आज किचन में काफ़ी गर्मी लग रही है, इसका मतलब काफ़ी हद तक आज मौसम चेंज हो गया है। यहाँ का वेदर रात में बहुत अच्छा होता है, काफ़ी सर्दी होती है। बादामों को ऑयल आ चुका है, अब मैं इसको छान लूंगी। काजू की मैंने कटिंग कर ली है, अब मैं बादामों को छिलकों से अलग करूंगी। ये देखें, बहुत ही आसानी से रिमूव हो रहा है। बादामों को मैंने छिलके से अलग कर लिया है, अब मैं इसकी काजू की तरह कटिंग कर लूंगी, लेकिन मैं इसकी लंबाई में कटिंग करूंगी। COVID-19 की वजह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद हैं। हम लोग की टीचर घर में आती हैं, लेकिन वो ईद की छुट्टियों पे अपने विलेज गई हुई हैं। मेरे मम्मा और पापा को वैक्सीन लग गई है। 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीन लग रही है। पानी इसका खुश हो रहा है और ये चावल भी मिक्स हो गए। अब ये जो चावल थोड़े से साबित रह गए हैं तो उसको मैं चम्मच की मदद से कर लूँगी। आप हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। असल मेहनत का काम अभी शुरू हुआ है। आपने चम्मच हिलाते रहना है। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो आपकी खीर नीचे लग जाएगी और आपकी मेहनत सारी ज़ाया हो जाएगी। अब इसको कंप्लीट पकाने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। मैंने आपको शुरू में इलायची का नहीं बताया था। दूध जब आप डाल देंगे तो 2 से 3 इलायची भी ऐड कीजिएगा, उसकी भी खुशबू अच्छी लगती है। मैंने इसमें 3 लीटर दूध ऐड किया, क्योंकि मेरे चावल जो है वो 250 ग्राम है। अगर आपने ज़्यादा खीर बनानी है तो उस हिसाब से आपकी चीज़ें भी ज़्यादा हो जाएंगी। फ्लेम जो है मेरा फुल है, मुसलसल मैं चम्मच हिला रही हूँ, आप भी चम्मच मुसलसल हिलाना, नहीं तो खीर आपकी नीचे लग जाएगी। हमें मीठे में ज़्यादा खीर पसंद है।
मुसलसल चम्मच हिला रही है, खीर जारी होने शुरू हो गई है। हिला रही हूँ, खीर को बनाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी खीर नीचे ना लगे। बबल्स बनना शुरू हो गए, इट्स मीन हमारी खीर रेडी होने वाली है। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क डाल दूंगी। कंडेंस मिल्क डालते हुए भी आपने चम्मच हिलाते रहना है। आप अपने जायके के हिसाब से कंडेंस मिल्क ऐड कीजिएगा। तो मैंने ऐड किए 370 ग्राम है ये। रमज़ान में मैं 2 टाइम इंसुलिन लगा रही थी लेकिन अब मैं 3 टाइम लगा रही हूँ। मेरी इंसुलिन का टाइम हो गया था तो मैं पहले इंसुलिन लगा लूँ। मैं पेनफिन वाली इंसुलिन यूज करती हूँ। मैं 12 यूनिट लगाती हूँ। खीर पक चुकी है, ये देखें। हम लोग इतनी थिक करते हैं क्योंकि ये ठंडी जब होगी तो और थिक हो जाएगी। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। जो मैंने ड्राई फ्रूट काटा था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। हाफ मैं ऐड करूंगी, हाफ रख लूंगी जब मैं डिश आउट करूंगी तो गार्निश के लिए। थोड़ी सी ठंडी हो जाए खीर तो फिर मैं इसको बाउल में निकालती हूँ। खीर को मैंने एक बाउल में निकाल लिया। अब जो मैंने ये बादाम और काजू काटे थे इसकी मैं गार्निश करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।